गोवा का गंगा के साथ संगम हो गया और हिमालय के साथ एक तरफ हमारा संस्कृति का शिखर है हिमालय, दूसरा संस्कृति और प्रकृति का जो एक बहुत अद्भुत नज़ारा है हमारा गोवा। तो गोवा और गंगा का, सी का और हमारे हिमालय के पूरे शिखर संस्कृति का, दोनों का एक संगम होने से पूरी दुनिया के अंदर जो पर्यटक हैं उनको एक अद्भुत अनुभव, एक डिवाइन एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा और जो पूरी दुनिया है उसके साथ एक भारत बोध और सनातन बोध का एक नया संदेश आएगा। भारत ऋषि भूमि है, योग अध्यात्म की जननी है और अभी 21वीं शताब्दी को जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी की शताब्दी सारी दुनिया मानती है और भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो इसलिए मैंने मिनिस्टर साहब को बोला है, बहुत क्रिएटिव हमारे मिनिस्टर साहब, कि आप तीन तरह से वहाँ पर योगा अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी वेलनेस को स्टार्ट करें। एक जो साधारण होटल है वहाँ पर एक कमरा तो मिल ही जाता है, वहाँ पर लोग योग और मेडिटेशन जरूर करें और वो भी जो रियल योगा है, रियल मेडिटेशन। दूसरा, जहाँ स्पेस है वहाँ योगा वेलनेस पंचकर्मा और जिससे कि लोग जॉय करने के साथ साथ हेल्थ हैप्पीनेस इंटरनल पीस भी पाए। और जो कोई बड़ी फैसिलिटी है तो वहाँ हम बात करेंगे कि हम एक पतंजलि वेलनेस का भी वहाँ सेंटर चला सकें जिसमें हम करीब 500 प्रकार की थेरेपीज प्रोवाइड कराते हैं। माने वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि लोगों का बीपी का, शुगर का, थायराइड का, आर्थराइटिस का सब गोली बंद हो जाता है, एक एक दिन में एक एक किलो वेट रिड्यूस हो जाता है। और जिस तरह से आज पूरी दुनिया एक स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है तो उसको एक जिंदगी का एक नया अंदाज मिलता है। तो ये